सदन की गर्मियों को मेरा सादर नमन। सदन पटल पर रखा गया आज का विषय है विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत सफल या असफल। तो मेरे मतानुसार आत्मनिर्भर भारत विश्व बाजार में असफल। इसी मत के अनुरूप मैं अपने तर्क आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो महोदय, यहाँ पे सर्वप्रथम जब हम बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अस्तित्व में आ सकता है या सफल हो सकता है या नहीं, तो हमें आत्मनिर्भर भारत की वैश्विक स्तर पर जो भूमिका है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब हम उस भूमिका की तरफ नज़र डालते हैं तो हमारे समक्ष जो एक अहम बिंदु आता है विश्व वैश्विक स्तर का, वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित 2030 तक पूर्ण होने वाले जिन मिलेनियम गोल्स अर्थात मिलेनियम लक्ष्यों की जो बात है, उनमें से एक लक्ष्य ये भी है कि संपूर्ण विश्व एक समाज के रूप में देखा जाएगा, एक इकाई के रूप में देखा जाएगा। तब ये अलग अलग राष्ट्रों की जो परिकल्पना है वो कहीं ना कहीं धुंधली होती चली जाएगी और संपूर्ण विश्व एक समाज के रूप में देखा जाएगा। तब आप उसी समय देखिए कि जब भारत अपनी स्वीकृति उन लक्ष्यों को पूर्ण करने में दे देता है तो वहां पे आत्मनिर्भरता अपने आप में कैसे विरोधाभासी प्रतीत होती है। क्योंकि जब आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो आप बात करते हैं अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देने की व उन पे ही संपूर्ण ध्यान केंद्रित करने की। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को निर्भर बनाना, अपने आप को किसी पे भी निर्भर नहीं बनाना है, आपको स्वयं ही अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता को विकसित करना है। तो ऐसी स्थिति में जो एक लक्ष्य है हमारा कि संपूर्ण विश्व एक समाज हो, एक इकाई हो, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सह अस्तित्व की अवधारणा के तहत चलना पड़ेगा। मतलब हमें बाकियों की ज़रूरतों को भी मद्देनजर रखते हुए जो भी अगला कदम है, जो भी अगला निर्णय है वो लेना पड़ेगा। तो एक तरफ जब भारत स्वयं इस बात को स्वीकृति दे देता है कि हाँ, विश्व को 2030 तक एक इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए, वह यह लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उसको वो सह अस्तित्व वाली अवधारणा को अपनाना पड़ेगा। तो उस सह अस्तित्व वाली अवधारणा के साथ में जो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो अवधारणा अनिवार्य है अर्थात स्वहित की जो अवधारणा अनिवार्य है, ये दोनों अवधारणाएं अपने आप में विरोधाभासी हैं। क्योंकि सह अस्तित्व और स्वहित, जो एकमात्र स्वहित की बात हो रही है, उसमें आपको अपने आप पे केंद्रित रहना पड़ेगा, अपितु सह अस्तित्व में आपको सब पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर जो बात यहाँ पे ये आती है कि वास्तविकता में क्या भारत के पास में उतनी क्षमता है, तो ये देखिए कि भारत की जो लोग हैं या किसी भी समाज के जो लोग हैं, आज के समय में इंटरनेट की निर्भरता कितनी अधिक बढ़ चुकी है, तो जितने भी ऐसे ब्राउजर्स हैं जो कि वास्तविकता में भारत के पास में नहीं है, वो भारत वास्तविकता में नहीं ला सकता है। दूसरी बात, जब भारत ये बोल रहा है कि भारत अपनी 30% जो ऊर्जा है वो न्यूक्लियर स्रोतों के माध्यम से उत्पन्न करेगा, तो भारत के पास में प्राकृतिक रूप से उतने न्यूक्लियर स्रोत नहीं उपलब्ध हैं, तो आपको वो कहीं ना कहीं बाहरी देशों से मंगवाने पड़ेंगे। फिर जो एक वैश्विक गुरु बनने की बात भारत करता है, तो गुरु की जो एक अवधारणा होती है कि वास्तविकता में कोई गुरु कब कहलाता है, जब वो किन्हीं अपने शिष्यों को तैयार करे जो उसके कोई शिष्य हो, अर्थात उस गुरु में और उस शिष्य में अपने आप में एक संबंध है किसी ना किसी तरीके से। वो गुरु तब है जब वो शिष्य अस्तित्व में है। तो इसीलिए जब भारत के वैश्विक गुरु की बात होती है, जब भारत एक अपने आप में ऐसी इकाई के रूप में सामने आने की बात करता है कि हाँ वो पथ प्रदर्शित करेगा, तो ये देखिए कि वैश्विक गुरु बनने के लिए भी वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। वो गुरु तब बनेगा जब उसके शिष्य होंगे या जिस किसी को वो पथ प्रदर्शित करेगा, और पथ प्रदर्शित वो तभी करेगा जब उसका किसी से संबंध होगा, अर्थात वो पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। तो जो दो लक्ष्य हैं, वैश्विक गुरु बनने का और संपूर्ण समाज को एक इकाई में देखने के लिए, उन दोनों लक्ष्यों के चलते अगर भारत उनको पूर्ण करता है तो कदापि आत्मनिर्भर भारत विश्व बाजार में सफल नहीं है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।